तो भाई साहब, मिर्जापुर से मुन्ना भैया उर्फ दिव्येंदु और स्कैम 1992 से हंसल मेहता उर्फ प्रतीक गांधी और बंबई मेरी जान से अविनाश तिवारी, भाई ये तीनों दिग्गज स्टार जो अपनी वेब सीरीज में पूरे खाखंडी थे, एक साथ जब मिलेंगे तो क्या ही दमदार आग फाड़ेंगे। और यह जब रौद्र रूप वाले जो अपने सोच के अपने वेब सीरीज के डोमिनेंट करेक्टर हैं, मुन्ना भैया को हम सब जानते हैं, हंसल मेहता को हम सब जानते हैं, और उसके बाद बम्बई मेरी जान से अविनाश तिवारी को हम सब जानते हैं, क्या आग फाड़ी है, क्या रेड मारी है उन्होंने, जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो क्या आग लगाएंगे। भाई मडगांव एक्सप्रेस इनकी मूवी आ रही है, फनी नाम है क्योंकि मूवी फुल फनी होने वाली है। ये तीनों कैरेक्टर जो अपने वेब सीरीज में फुल जाइगेंटिक बीस्टी है, यहाँ पर फनी रोल में देखने को मिलने आ रहे हैं। और ट्रेलर आया है, भाई रिव्यू करेंगे, मडगांव एक्सप्रेस करके नाम है इसका, और ये तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं, और व्हाट अ वर्सेटिलिटी ऑफ देम यार, क्या मतलब दिव्येंदु क्या दमदार एक्टिंग कर रहा है, देन उसका प्रतीक गांधी, देन उसका अविनाश तिवारी, तीनों ही आग लगा रहे हैं। तो अभी रिव्यू करेंगे, ट्रेलर कैसा है, क्या नहीं है, कितना प्रॉमिसिंग है, क्या मिलने वाला है, और कुछ हटके नया करने की कोशिश करी है या नहीं करी है, कि बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, और इनको एक साथ ले आए हैं, और मेकर्स चाहेंगे कि इनके नाम से भाई थोड़ा सा पैसा कमा लिया जाए, तो ऐसा कुछ है या नहीं है वो भी जब देख लेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो पे एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भाई बहुत मेहनत लगती है, अगर वीडियो तक पहुंचते हो तो एक लाइक भी जरूर कर दिया करो यार। चलो शुरुआत करते हैं, भाई कास्ट दमदार है क्योंकि तीन मेन दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे, अपने दिव्येंदु, प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी। उम्मीद नहीं थी कि ट्रेलर से इनको देख के ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि मुन्ना भैया अपने बिल्कुल, अगर आपने प्यार का पंचनामा मूवी देखी, लिक्विड जो उसमें कैरेक्टर था मुन्ना भैया का, वो वाला कैरेक्टर यहाँ देखने को मिल रहा है। हंसल मेहता यार बड़ा वर्सिटाइल आर्टिस्ट, अलग ही मतलब अलग ही कॉमिक कैरेक्टर, अलग ही कॉमेडी यहाँ फेल रहे हैं। देन उसके बाद अविनाश तिवारी, भाई बम्बई मेरी जान में क्या रौद्र रूप था, फुल डोमिनेंट कैरेक्टर, और यहाँ पर चुच्चू पुच्चू कैरेक्टर, दमदार है, काज दमदार है। नौरा फतेही भी देखने को मिलने वाली है, लेकिन भाई शिकायत यह है कि नौरा फतेही जिस चीज के लिए है, यानी ग्लैमर के लिए है, उससे वो काम कराओ, डांस करवाओ, एक्टिंग क्यों कराते हो, मुंह खोलते ही गटर बनता है, कचड़ा हो जाता है। देन उसके बाद उपेंद्र लिम्माए, ये अगर याद है आपको एनिमल मूवी में अय्यर जो करेक्टर था, वो यहाँ देखने को मिलने वाला है, और बड़ा फनी कैरेक्टर यार ये बंदा, दमदार है बिल्कुल। मेंडोजा करके इसका करेक्टर यहाँ होने वाला है, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करते ये नजर आ रहा है। देन उसके बाद भाई इस सर्कस टीम को, ये जो पूरी टीम है, इसे डायरेक्शन कौन दे रहा है, अपने कुणाल खेमू यार, कुणाल खेमू का आई थिंक डेब्यूशन ही है ये, और इतना सॉलिड डेब्यूशन भाई, दमदार लग रहा है। गोवा ट्रिप पर तीन दोस्त जाते नजर आ रहे हैं, फुल फन करना चाहते हैं, मतलब ये मिडिल क्लास वाले, जो पुअर मिडिल क्लास से भी जो नीचे क्लास नहीं होती है, जो सपने सजा के रखते हैं कि यार एक ऐसा दिन आए कि हम भी घूमने जाएं, चिल आउट करें, मस्ती करें, ये वो, तो ये जा रहे हैं और क्लब में मस्ती करते हुए नजर आए हैं। देन उसके बाद गोवा ट्रिप के लिए ये मडगांव एक्सप्रेस से कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं, और वहाँ बहुत सारी इन्हें मुसीबतें कहाँ मिलेंगी, वहाँ जाके मिलेंगी, क्योंकि ट्रेलर से पता चल रहा है कि कोकीन इनको एक्सीडेंटली मिल जाएगा, और वो कोकीन जब हंसल मेहता के, मतलब सॉरी, प्रतीक गांधी के मुँह पर फट रहा है, वो तोतला के बोल रहा है, और क्या कॉमिक कैरेक्टर यहाँ से निकल के आ रहे हैं। देन उसके बाद इनके पीछे पड़ जाएगी पुलिस, और वहाँ से इनकी रील धोनी शुरू हो जाएगी, और थोड़ा सा बोरियत भी हो गई थी, वो एक्शन मसाला गौर गर्ज देख देख कर थोड़ा सा चेंजेस चाहिए ही चाहिए था। आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखो, 22 मार्च को ये मूवी हमें मिल जाएगी, वेट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।